आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया और गद्यांश पढ़ के ही हमको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इस प्रश्न में देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है। गद्यांश के नीचे यहाँ पे प्रश्न है कि लेखक के अनुसार, ठीक है, लेखक के अनुसार आइए इसके विकल्प देख लेते हैं। विकल्प यहाँ क्या दिया है नीचे, विकल्प पहला दिया हुआ है कि शारीरिक श्रम में तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, दूसरा यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है कि शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प यहाँ दिया हुआ है कि शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है। चौथा विकल्प यहाँ दिया है शारीरिक श्रम ही एकमात्र महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आइए हम ये विकल्पों को देखा, विकल्पों के अनुसार आइए हम पहले एक बार गद्यांश में चलते हैं। गद्यांश में कि लेखक के अनुसार यहाँ कहीं इसमें चर्चा जरूर हुई होगी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ, मैंने आप यहाँ दिया हुआ कि मैं चेष्टा करता हूँ, करता था कि छोटी उम्र में शारीरिक श्रम में बच्चों को अपनी होशियारी और कुशाग्र बुद्धि का परिचय देने का अवसर मिले। ठीक है, स्कूल या एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यभार है बच्चों को ज्ञान का प्रयोग करना सिखाना। छोटी कक्षाओं में यह खतरा सबसे ज्यादा होता है कि ज्ञान निरर्थक बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि इस उम्र में बौद्धिक श्रम नई नई बातें सीखने से ही संबंधित होती है। ठीक है, हमने गद्यांश देखा और गद्यांश के अनुसार आइए हम विकल्पों की जांच कर लेते हैं कौन सा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। विकल्प ए में यह दिया हुआ है कि शारीरिक श्रम में तेज बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लेखक के अनुसार ये सही नहीं है। आइए दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरा विकल्प दिया कि शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। बिल्कुल, शारीरिक श्रम अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अपनी बुद्धि की भी और समझदारी की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये विकल्प हमारा बिल्कुल सही है गद्यांश के अनुसार। आइए विकल्प सी की बात करते हैं। विकल्प सी में दिया हुआ कि शारीरिक श्रम बच्चों को होशियार बनाता है, ये गलत है। विकल्प डी दिया हुआ, विकल्प डी में है कि शारीरिक श्रम एक ही मात्र महत्वपूर्ण तत्व है, ये भी विकल्प हमारा गलत है। यानी विकल्प ए ए या सॉरी विकल्प बी, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी, शारीरिक श्रम में समझदारी और तेज बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे और होगा, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, यहाँ पे विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।